Hello, students, welcome to you all in this video. Before moving towards the chapter, first we have to revise the first part. So, here I am giving you some questions, and you have to answer these questions in your fair notebook with the help of the first part video. Now, let's move towards the second part. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck.

न टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है जिसने कई लोगों की जान बचाई थी जब सुनामी फुकेट बीच इन थाईलैंड फुकेट एक जगह है थाईलैंड में वहाँ के बीच में जब हुआ दूसरी हैज नंबर ऑफ अवार्ड्स और इस काम की वजह से इस इंसिडेंट की वजह से उसे कई सारे अवार्ड्स भी मिले लेकिन हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इन टू अ हीरोइन लेकिन उसके पेरेंट्स कभी भी ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी टिली स्मिथ टेलीविजन के लिए इंटरव्यू दें जिसके वजह से वो कोई हीरोइन ना बच जाए अब यहाँ पे हीरोइन किसी एक्ट्रेस के लिए नहीं है किसी फेमस पर्सनैलिटी के लिए है ना व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन अब उसके पेरेंट्स ने ये डिसीजन क्यों लिया होगा ये आपको सोचना है क्या क्या हमारे सोसाइटी के कॉजेज हो सकते हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं नाउ हेयर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड द स्मिथ फैमिली from साउथ ईस्ट इंग्लैंड व सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थैलैंड जो टेली स्मिथ की फैमिली थी जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए एक रिजॉर्ट में साउदर्न थाईलैंड में आए थे टेली स्मिथ वॉज अ टेन ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल टेली स्मिथ एक टेन ईयर्स ओल्ड लड़की हैं सिस्टर वॉज सेवन ईयर्स ओल्ड और उसकी सिस्टर सेवन ईयर्स ओल्ड हैं Their parents were Penny and Colin Smith. Penny was her mother and Colin Smith was her father. It was 26th December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of Northern Sumatra earlier that morning. So the tsunami waves were already Thailand Phuket beach Thailand. They had been triggered by a massive earthquake. अभी आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था वीडियो के कि जो सुनामी होती है वो अर्थ को एक वॉल्केनो इनकी वजह से होता है मैसिव मीन्स्यूज इनॉर्मियस एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था नॉर्दर्न सुमात्रा सुमात्रा इज एन आइलैंड विच लाइज इन द इंडोनेशिया अर्लियर दैट मॉर्निंग तो सुमात्रा में एक अर्थक्वेक हुआ था जिसके वजह से जो सी वेव्स हैं वो ट्रिगर्ड कर गई थी ट्रिगर्ड मतलब होता है सडनली बहुत ज्यादा एक्सेसिव हाई वेव्स हो गई थी वॉटर वॉज स्वेलिंग एंड कैप्ड कमिंग इन द वॉटर वॉज स्वेलिंग स्वेलिंग मीन्स होता है सूजन लेकिन यह सूजन नहीं है यहां स्वेलिंग का मीन्स है कि जो वेव्स हैं वो काफी ऊंची ऊंची उठ रही थी एंड कैप्ड कमिंग इन और आगे की ओर बढ़ती जा रही थी पैनी स्मिथ रिमेंबर् द बीच वॉज कैटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर पैनी स्मिथ हु वॉज पैनी पैनी वॉज टमिथ्स मदर्स तो जब टिली की मदर ने देखा कि पानी की जो लहरें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और उनके ओर बढ़ रही हैं तो उनको अचानक से कुछ ध्यान आया द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर जो बीच था वो और छोटा और छोटा होते जा रहा था इट मीन्स जो बीच का एरिया है वो समुद्र के पानी से कवर्ड होते जा रहा था आई डिडेंट नो वॉट वॉज हैपनिंग तो टिली स्मिथ की मदर कहती है कि उन्हें समझ भी नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है बट टेलीस मे सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग लेकिन टेलीज में समझ गई थी कि कुछ गलत होने वाला है हर माइंड कैप गोइंग बैक टू अ जोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट टू वीक्स बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली तभी उसको अपने जोग्राफी का एक लेसन याद आता है जो उसने दो हफ्ते पहले इंग्लैंड में अपनी क्लास में पढ़ा था टेली सॉ दीज लोली राइस दिल्ली ने जब देखा कि जो समुद्र है स्लोली राइज धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड स्टार्ट टू फॉर्म और जो समुद्र है उसमें फोम बन रहा है फोम मींस साबुन का झाग जैसा हम जिसे कहते हैं बबल एंड फॉर्म वर्लपुल्स वर्लपुल्स किसे कहेंगे वर्लपुल्स होता है जिसे हम कहते हैं भवर भवर बनना शुरू हो गया शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सोना दैट हैड हिट द हवान आइलैंड इन नाइनटीन फोटी सिक्स तभी उसको याद आता है कि क्लास में उसने हवाइन आइलैंड नाइनटीन फोर्टी सिक्स में जहाँ सुनामी ने हिट किया था उसके बारे में उसने वीडियो में देखा था और सेम वैसी ही सिचुएशन सेम वैसी ही चीज़ें उसको यहाँ समुद्र में दिखाई दे रही थी वायन आइलैंड एक ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं यूनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हर जोग्राफी टीचर हर क्लास द वीडियो टिली स्मिथ के जोग्राफी टीचर ने पूरी क्लास को वो वीडियो दिखाया था एंड टोल्ड एम दैट सुनामी कैन बी कॉस्ड बाई अर्थक्वेक्स वॉलोज एंड लैंड स्लाइड और सारी क्लास को जोग्रफी टीचर ने ये बताया था कि जो सुनामी आती है वो अर्थक्वेक की वजह से या वॉलकैनो की वजह से या लैंड स्लाइड की वजह से होता है तो वह सारी चीज़ें टिली स्मिथ के माइंड में रिमाइंड हो गई क्योंकि अभी अभी वहाँ भी अर्थक्वेक आया था स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच तभी टिली ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया अपने परिवार वालों से उसने कहना शुरू किया कि बीच से दूर हटो शी टॉक्ट अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी शी गॉट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल और वो बार बार कह रही थी कि समुद्र के नीचे अंडर अर्थक्वेक आया है और उसके इन हरकतों से वो ऐसा लग रहा था कि हिस्ट्रिकल हिस्ट्रिकल मीन्स होता है अनकंट्रोल्ड इमोशंस जब आपको समझ में नहीं आए कि आपको क्या करना है तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन टिली के साथ चल रही थी सेट हर मदर पैनिंग आई डिडेंट नो वॉट अ सुनामी वॉस बट सींग माई डॉटर सो फ्राइटेड अब जो टीली की मदर है, उनको लगता है कि मैंने कभी सुनामी की वजह के बारे में नहीं सुना कि सुनामी क्या है लेकिन अपने डॉटर को फ्राइटेंड घबराया हुआ देख के वो समझ गई थी आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच तभी टिली के पेरेंट्स टिली को और उसके सिस्टर को लेके बीच से दूर चले जाते हैं टू द स्विमिंग पूल एट द होटल होटल के स्विमिंग पूल के पास अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद और जब बीच पे बाकी टूरिस्ट ने टलीस की फैमिली को वहाँ से जाते हुए देखा तो वो भी समझ गए थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो भी वहाँ से जाना शुरू हो गए देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम तभी उन लोगों के बीच में से जाते ही एक बड़ी सी समुद्र की लहर उनके पीछे से आ गई आई वॉज क्रीमिंग रन और वो चिल्ला रही थी कि तोड़ो दौड़ो द फैमिली टूक रिफ्यूज थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल तभी उनका परिवार होटल के थर्ड फ्लोर में जाके रिफ्यूज होता है कहीं पे जाके शेल्टर लेना शेल्टर ले लेता है बिल्डिंग थी अक्सर यह होता है कि सुनामी की लहर इतनी बड़ी होती है कि उसके हिट होने से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी गिर जाती है लेकिन जिस होटल में वो रुके थे सुनामी की थ्री वेव्स तीन बार सुनामी की लहरों ने उसे र्च सर्च मीन्स ऑफ द फोर्स ताकत के साथ हिट किया इफ दे हैड स्टेट ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अ लाइफ लेकिन उस समय उन्होंने ये सोचा कि अगर अभी भी वो बीच में होते तो शायद वो जिंदा नहीं होते दस्मिस्ट लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज और सुनामी के जाने के बाद टिल स्मिथ की फैमिली ने बाकी लोगों को देखा जिनमें से कईयों की फैमिली के मेम्बर्स सुनामी में बह गए थे थैंक्स टू टिली एंड हर जोग्राफी लेसन लेकिन टिली और उसके जोग्रफ़ी लेसन का काफ़ी फायदा हुआ दे हैड बीन फोर वॉन्ड जिसकी फोर मतलब होता है इन एडवांस में जब आपको किसी चीज़ का पता चल जाए उन्हें प्रोडक्ट हो गया था उन्हें पहले ही पता चल गया था वो अवेयर हो चुके थे टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड और उसके बाद जब वो इंग्लैंड वापस गई एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल और उसने अपने क्लासमेट्स को उस टेरिफाइंग टेल के बारे में उस खतरनाक इंसिडेंट के बारे में उस सुनामी के बारे में बताया आई होप आप सभी को सेकेंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा नाउ यू विल डू द कॉम्प्रिहेंशन चेक इन पेज नंबर ट्वेंटी एट इन योर फेयर नोटबुक आपको पार्ट वन का रिविजन वर्क और ये कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन दोनों ही फेयर नोटबुक में करने हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग